एक दो तीन चार पाँच, और ये देखिए दोस्तों देखने वाली चीज़ है, मीडियम वेव शॉर्ट वेव FM। क्या दिन थे वो जब हम ये टू इन वन रिपेयर किया करा था। ये वाला पेज मैंने गलत खोल दिया, ये नहीं खोलना चाहिए था। ये खिचड़ खिचड़ आ रही है ना, ये चिमटी के ऊपर चलाऊंगा। देखो दोस्तों आयरन स्विच क्लीनिंग ऑयल, इसके लिए दोस्तों ये वाला पेज कैसे चलेगा, थोड़ा सा अड़ियल वाला काम है ये दोस्तों। ये है फिलिप्स का टू इन वन, जो कि एक गुजरे ज़माने की चीज़ हो गया है। ये कस्टमर लेके आ रहा है, कस्टमर कह रहा है भैया इसमें सिर्फ मेरा FM ही स्टार्ट कर दो, मैं उससे खुश हो जाऊँगा। इसमें अभी देखते हैं कोई आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही। सबसे पहले हमने इसकी सप्लाई लगा दी, पावर ऑन कर दी, और इसको देखते हैं कुछ हो रहा है इसमें। कुछ नहीं हो रहा इसमें, कोई ऑडियो कुछ। मैं कान लगा के सुनता हूँ एक मिनट, कुछ नहीं आ रहा इसमें। तो दोस्तों खोलते हैं और इसको स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों मेरा नाम है ओम प्रकाश और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल OPL इलेक्ट्रॉनिक्स। तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो इस फिलिप्स टू इन वन की। तो सबसे पहले दोस्तों पावर हटाते हैं और इसका बैक खोल लेते हैं। देखिए इसके चारों पांचों पेज हैं दोस्तों, देखिए इसमें इतने लंबे लंबे पेज हैं, एक दो तीन चार पाँच, और ये छः पेज इसमें लगे हैं। तो इसमें बाकी पेज तो मैंने खोल लिए, एक पेज में आपके सामने खोल लेता हूँ। देखिए कितने कितने लंबे लंबे पेज होते हैं इसमें, पहले के टू इन वन में इतने लंबे पेज आया करते थे। ये दोस्तों देखिए ये आगे का फ्रंट हो गया अलग। देखिए दोस्तों देखने वाली चीज़ है, आप भी देखिए ये इसका कैसेट मैकेनिज्म है, ठीक है, इसमें कैसेट चलती थी इसकी, ठीक है दोस्तों। मैं कैमरा थोड़ा सा और ऊपर कर लेता हूँ। तो दोस्तों इसको हम चेक करते हैं, सबसे पहले लगाते हैं इसके अंदर अपनी मेन पावर। ये हो गया वॉल्यूम, ये उसका बैंड स्विच है दोस्तों, मीडियम वेव शॉर्ट वेव FM। ये क्या दिन थे वो जब हम ये टू इन वन रिपेयर किया करते, बहुत ही ज़बरदस्त टाइम था दोस्तों। ये मैं टू इन वन रिपेयर नहीं करता हूँ दोस्तों, ये तो सिर्फ आपके लिए मैंने ले लिया, ये आपको दिखाने के लिए, ताकि मैं अपने दर्शकों को दिखा सकूँ टू इन वन। पुरानी चीज़ों से भी कुछ रूबरू करा देना चाहिए, तो जानकारी मिलती रहनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। ये वाला पेज मैंने गलत खोल दिया, ये नहीं खोलना चाहिए था, इसको कर देता हूँ मैं टाइट। अब देखिए दोस्तों इसमें देखिए दोस्तों पहले जुगाड़ बनाया हुआ है किसी ने, ये वॉल्यूम का जुगाड़ बना रखा है इसके अंदर, ठीक है ना। तो अभी हम इसको करते हैं टेस्ट, इसकी सप्लाई वगैरह। देखिए दोस्तों सेट हमारा ऑन हो गया, देखिए ऑडियो, देखिए यहाँ ऑडियो होती है, सेंटर पिन पे ऑडियो होगी। वॉल्यूम कंट्रोल अगर तीन पिन वाला है तो उसके सेंटर पिन पे ऑडियो होगी, ये ऑडियो आ रही ना, ये सिग्नल है, ये ग्राउंड है। और जैसे ही शॉर्ट करेंगे तो ऑडियो देखते हैं बढ़ती है कि नहीं बढ़ती, ठीक है दोस्तों। ये ऑडियो आ गई हमारी, तो अब हम सबसे पहले वॉल्यूम कंट्रोल को चेंज करेंगे। तो सबसे पहले इसको खोलते हैं, इसको हटाया, इस बोर्ड के इस पेज को खोलेंगे दोस्तों। ये टोन कंट्रोल भी लगा हुआ है इसमें, एक वॉल्यूम कंट्रोल भी लगा हुआ है। ये दोस्तों इसका रिकॉर्डिंग स्विच है, जो हम सॉन्ग्स अपनी ऑडियो रिकॉर्ड करते थे, इस ये स्विच दबता था उससे, जैसे पत्ती दबाते हैं ना, तो ये स्विच दब जाता था उससे ये रिकॉर्डिंग होती थी। ये इसका रेडियो बोर्ड भी खोलना पड़ेगा दोस्तों हमें, जब तक ये सारे बोर्ड नहीं खुलेंगे तब तक ये वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, जब तक ये वॉल्यूम चेंज नहीं होगा तब तक आवाज़ नहीं आएगी। इसको करते हैं साइड में दोस्तों, ये और ये,
इसके दोनों वॉल्यूम के नॉब्स हटाएंगे दोस्तों, और इसको करेंगे साइड, इसको थोड़ा तिरछा करके इसको निकाल लेंगे दोस्तों। दोस्तों ये है हेड की वायर, जो कैसेट जिस पे चल के चलती है ना, उसकी हेड की वायर है दोस्तों। ये हो गया इसका रिकॉर्डिंग स्विच, देखो दोस्तों डायरेक्ट क्या हुआ, पहले डिस्टर्बेंस आती होगी ना इसलिए डायरेक्ट क्या हुआ। अभी लाइट जल रही थी, अभी बंद हो गई ना, ये क्यों बंद हुई है। चेक कर लेता हूँ, लाइट को बंद हुई है इसकी 14 वोल्ट और यहाँ है 0 वोल्ट, मतलब ये लाइट अभी टच होकर इसके साथ शॉर्ट हो गई। तो ये एलईडी हम दूसरी लगा देंगे दोस्तों, एलईडी हमारी ख़राब हो गई, इस एलईडी को चेंज करेंगे, क्योंकि चिमटी का यूज़ किया ना मैंने, 14 वोल्ट इस पर थी और वो अर्थिंग से उड़ गई। ओके, तो इसका वॉल्यूम पर ऑडियो है यहाँ और यहाँ नहीं, यहाँ कम है, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले इसका वॉल्यूम कंट्रोल चेंज कर लेते हैं, इसके लिए पुराना वॉल्यूम अरेंज करना पड़ेगा आपको। सबसे पहले इस कंट्रोल को मैं करता हूँ फ्री, वॉल्यूम निकालते हैं दोस्तों अपना आयरन की सहायता से। ऑन साइड में निकाल रहे हैं दोस्तों, देखिए इसको करते हैं ऑफ। ये सारे कंट्रोल की वायर हैं, इनको करते हैं हम डिसकनेक्ट, इसी पे अपना वॉल्यूम कस देंगे। ये है दोस्तों 20 के का वॉल्यूम। दोस्तों मैं लेके आता हूँ ऐसा वॉल्यूम अगर मिल जाता है तो मेरे पास पुराने स्टॉक में। दोस्तों इससे मिलता जुलता वॉल्यूम तो नहीं मिला, पर हाँ हमें ये डीवीडी प्लेयर का वॉल्यूम मिल गया। हम चाहें तो इस वॉल्यूम की फिटिंग इसके अंदर प्रॉपर तरीके से बना सकते हैं, वो कैसे बनाएंगे मैं आपको दिखा देता हूँ। इस सारे सामान को करते हैं हम साइड में और वॉल्यूम का जुगाड़ बनाते हैं दोस्तों। सबसे पहले आप डीवीडी प्लेयर का ऐसा वॉल्यूम ले लेंगे, उसकी पत्तियों को इस प्रकार से मोड़ देंगे, दोनों साइड से मोड़ देंगे दोस्तों। एक बार जूम करके दिखा देता हूँ मैं आपको, ये देखिए ठीक है, इस तरीके से मोड़ देंगे, ये पत्तियों को ऐसे मोड़ दिया, ठीक है मोड़ दिया। अब इसको करेंगे हम, इस वॉल्यूम को करेंगे बाहर। इस वॉल्यूम को बाहर करने के लिए सबसे पहले मैं इन पत्तियों को खोलता हूँ, देख रहे हैं दोस्तों ध्यान से, इन पत्तियों को मैं खोल रहा हूँ। दोस्तों जब ये सामान पार्ट्स जो मिलते नहीं थे ना तो हमें रिपेयर करने पड़ते थे, आज वही टेक्निक काम आ रही है। आज भी ये पार्ट मिलेगा, मुश्किल से मिलेगा। देखिए दोस्तों बिल्कुल ये ट्रैक जो है ना, ये ट्रैक तो ब्लैक होता ही है, ठीक है दोस्तों, जब ये भी ब्लैक हो जाए ना तो समझ लो ख़त्म हो चुका है। ये वाला ट्रैक ब्लैक नहीं होता, ये गोल्डन कलर में होता है, कॉपर टाइप में। ये यहाँ पे भी गोल्डन होता है, यहाँ पे भी गोल्डन होता है, ठीक है दोस्तों। इसको करते हैं साइड में, अब ये वाला वॉल्यूम लेते हैं और इसका सेंटर मिलाने की कोशिश करते हैं उसके हिसाब से। इसके बीच में हमने सेट कर दिया, ठीक है दोस्तों, इसकी सोल्डरिंग कर देंगे हम इसके सेंटर के हिसाब से। देखिए दोस्तों इस तरह वॉल्यूम फिट हो गया, देखिए दोस्तों 1 2 3 4, इन चारों पिनों पे हम सोल्डर कर देंगे तो हमारा वॉल्यूम सेंटर में फिट हो जाएगा बिल्कुल, देखिए दोस्तों, ठीक है ना। अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले लगाऊँगा थोड़ी सी फ्लक्स इस जगह और थोड़ी सी फ्लक्स इस जगह, और लूँगा अपना आयरन और सोल्डर। ये सोल्डर ले लिया दोस्तों मैंने, ये आयरन थोड़ा हैवी ले लेंगे दोस्तों, 35 वाट का आयरन है ये मेरा, ठीक है दोस्तों। और ये इसको यहाँ से सोल्डर हो गया दोस्तों, एक पॉइंट हो गया सोल्डर। दोस्तों ध्यान रखना आपने अपना हाथ नहीं जला लेना, बड़ी सावधानी से करना है। इस कटर को मैं साइड में करता हूँ और मैं कैमरे को करता हूँ थोड़ा सा, यहाँ से दिख रहा है ना, ठीक है दोस्तों। ये देखिए अब इस वाले पिन को करेंगे हम सोल्डर, ये दोस्तों दोनों इसके पंख हमने सोल्डर कर दिए। अब देखिए दोस्तों इस वाले पॉइंट पे, अब दोस्तों इस वाले पॉइंट पे हम सोल्डरिंग करेंगे, इस वाले पॉइंट पे एक
और ये दो, ठीक है। यहाँ भी हल्की सी पेस्ट लगा लेंगे हम, सोल्डरिंग प्लग्स लगाने से क्या है सोल्डर अच्छी तरह हो जाएगा। आयरन पर लगाया सोल्डर, ये सोल्डर हो गया दोस्तों। और इस प्रकार से हमारा वॉल्यूम कंट्रोल लगने के लिए लगभग तैयार है, ठीक है दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, अपने सेट को लेंगे दोबारा, इन सारी चीज़ों को हटाते हैं, अपने सेट को दोबारा बुलाते हैं, आ जाओ। ये हमारा सेट आ गया दोस्तों। अब हम इस वॉल्यूम को लगाएंगे, इसकी पिनों को सीधा कर देंगे दोबारा वापस, क्योंकि ये बोर्ड में टच होंगी ना, क्योंकि हमें सोल्डरिंग करनी है इस पिन के हिसाब से। देखिए दोस्तों, एक नंबर एक पे, दो नंबर दो पे, तीन नंबर तीन पे, इस प्रकार से दोस्तों इसकी सोल्डरिंग कर देंगे। थोड़ी सी फ्लक्स इसके ऊपर लगा लेते हैं सोल्डरिंग पेस्ट। ठीक है, इसकी पिनों को साफ़ कर देंगे, जो एक्स्ट्रा सोल्डर है इस पर से हटाएंगे ताकि हमें लगाने में दिक्कत ना हो। थोड़ा सा सोल्डर इन पर लगा देंगे। अब करेंगे इसके ऊपर सोल्डरिंग। एक बार मैं इसे ऑन करके देख लेता हूँ हमारी ऑडियो कितनी आई है कितनी नहीं आई है। ये लगाया हमने अपना बोर्ड एफएम का, तो जब तक ये प्रिंट नहीं जुड़ेगा तब तक नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ से करंट पास नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, ये प्रिंट जोड़ना ज़रूरी है। उसके लिए मैं एक जंपर लगा के यहाँ ऑन कर लेता हूँ। कंपनियाँ भी क्या क्या झगड़े फंसाती हैं, क्योंकि अर्थिंग का सर्किट, नेगेटिव सप्लाई का सर्किट वहाँ से पूरा हो रहा है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये नेगेटिव सप्लाई का सर्किट भी पूरा कर रही है। ठीक है दोस्तों, आ गई ना ऑडियो पूरी। दोस्तों आप सुनिए ध्यान से, देखिए ये गैंग चलने के साथ साथ ये खिचड़ खिचड़ आ रही है ना, ये इसका, इसको गैंग कैपेसिटर बोलते हैं, गैंग बोलते हैं इसको। तो ये ख़राब हो गया, अब ये मिलेगा नहीं आपको किसी भी कीमत पे। हाँ मिलेगा, महंगा मिलेगा, ढूंढने से मिलेगा, काफ़ी ढूंढना पड़ेगा, लेकिन आप इसको रिपेयर कर सकते हैं आज की डेट में बहुत अच्छे तरीके से। कैसे रिपेयर करेंगे, सबसे पहले इसकी करते हैं ऑडियो बंद। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, आप इस ये लेमिनेशन वाला पोर्ट पार्ट जो है ना, इसको हटाएंगे आप। ठीक है दोस्तों, इसको हटाएंगे, कैसे हटाएंगे, काट देंगे इसको और इसको हटा देंगे। आप ये चिमटी लेके बड़े ध्यान से दोस्तों, पत्तियां शॉर्ट ना हो जाएं, बस इस चीज़ का ध्यान रखना आपने। ठीक है, इसको मैं यहाँ से ये लगा दिया, ये थोड़ा सा उठा दिया ना दोस्तों उससे, और मैं आयरन से इसको कट कर दूँगा, चिमटी के ऊपर चलाऊँगा। देखो दोस्तों आयरन, ठीक है हो गया अलग, और इस पार्ट को मैं हटा देता हूँ बड़े ही प्यार से, बड़े ही ध्यान से। अब दोस्तों क्या करेंगे आप, अब आप लेंगे या तो इसमें बहुत ज़ोर से फूंक मारेंगे और इसको घुमा घुमा के साफ़ कर लेंगे, फूंक मार मार के, या एयर ब्लोवर अगर आपके पास है तो इससे साफ़ करेंगे। तो मैं अपने सहयोगी विनोद जी को बुलाता हूँ, वो एयर ब्लोवर इसके अंदर चलाएँगे और इसको साफ़ करेंगे। तो दोस्तों अब हम इसको करेंगे साफ़, इस पर हवा मारनी है एयर ब्लोवर। ठीक है, ये दिखाओ जरा एक मिनट। देखिए दोस्तों, ये है एयर ब्लोवर, ये इस गैंग से हम इसकी डस्ट निकाल देंगे सारी। अब पहले टाइम पे हमारे पास नहीं होता था, लेकिन अब होता है, चलाओ।
बस 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 दोस्तों, देखिए हमने हवा मार के इसका गैंग साफ कर दिया। अब चेक करते हैं कुछ कामयाब हुआ या नहीं हुआ। सबसे पहले वॉल्यूम कर लेंगे। हमारी शॉप अंदर है दोस्तों, लेकिन अब देखिए वो स्क्रैच जो है ना ख़त्म हो चुका है, जो खचर खचर कर रहा था ना, देखिए अब वो खिचर खिचर नहीं आ रही है। ठीक है, अब हम इसको फाइनली टेस्ट करते हैं। ये शॉर्ट वेव हो गया इसका, और ये दोस्तों इसका स्विच जो है ना, इसके स्विच में भी लूजिंग है। उसके लिए क्या करेंगे दोस्तों, हम यूज़ करेंगे स्विचिंग ऑयल का। तो वो स्विचिंग ऑयल भी मैं आपको आज दिखा देता हूँ। स्विचिंग ऑयल ले आते हैं दोस्तों। ये है वो स्विचिंग ऑयल, आर्मस्ट्रांग स्विच क्लीनिंग ऑयल। इस ऑयल से आप कोई भी स्विच साफ कर सकते हैं। पहले तो इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता था हमारे काम में, आजकल ज़रा कम हो गया। अब इसकी एक दो बूंद इसमें डालेंगे हम और स्विच को करेंगे क्लीन। दो ये तीन बूंदें डल गई दोस्तों। अब इस स्विच को ऐसे ऐसे हम चलाएंगे ना, तो इसमें जितना भी कार्बन होगा साफ हो जाएगा दोस्तों। हम पहले दोस्तों क्या करते थे, पेचकस की सहायता से ना पॉइंटेड जगह पर यहाँ पे हमें डालना होता था, वहाँ पेचकस से ऑयल लेते थे और ऐसे हल्का सा डाला और ऐसे हल्का सा डाल दिया करते थे, इस तरह से डालते थे ताकि साइड में ऑयल ना फैले। और ये वाला, इस वाले स्विच को भी कर देते हैं हम साफ, क्योंकि ये काफ़ी टाइम बाद खुल रहा है दोस्तों। ठीक है, इसमें दो बूंदें हमने डाल दी, दो बूंद जिंदगी की। सप्लाई ऑफ करके फिर इसको यूज़ करते हैं, साफ करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हमारे दोनों स्विच हो गए क्लीन। अब हम इसका वॉल्यूम इसकी सही जगह फिट कर देते हैं। इन दोनों छेदों को हम खोल लेंगे, इसमें सोल्डर भरा हुआ है ना, इसको खोलते हैं सोल्डर लगाने के लिए। इसकी सोल्डरिंग कर देते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारा बोर्ड का काम। अब इसको करते हैं हम फिट। सबसे पहले इसकी एलईडी भी लगा लेते हैं ना, एलईडी तो काट दी थी हमने। ठीक है दोस्तों, अब करते हैं इसको हम फिट। एलईडी मैंने इसकी चेंज कर दिया, इसको करते हैं पीछे। खींचा खाची मैनुअल फिटिंग ज़्यादा होती है दोस्तों इसमें। ये इसका वॉल्यूम फिट हो गया, ये स्विच फिट हो गया दोस्तों। चला के देख लेते हैं एक बार। ठीक है ना, ये हो गया फिट। ठीक है, अब इसी प्रकार इसके लगा देंगे हम सारे पेच। इसके लिए दोस्तों ये वाला पेच कैसे चलेगा, ठीक है दोस्तों हो गया। अब इसके लगाते हैं हम नॉब्स दोनों। ठीक है दोस्तों, ये हो गए इसके नॉब्स, ये हो गए इसका गैंग। इसको करते हैं फिट। एक दो और ये तीन पेज लगेंगे दोस्तों इसके, तीनों पेज लगा देते हैं। एक दो और ये तीन, और ये गैंग पे से जो हमने इसकी लेमिनेशन हटाई थी उसको भी लगा देते हैं दोस्तों, ताकि थोड़ा डस्ट से बचा रहे। ठीक है दोस्तों, ये लगा दिया इस प्रकार से।
अब अपना कैसेट मैकेनिज्म। इसका दोस्तों वैसे टेप रिकॉर्डर भी ऑन हो सकता है करना चाहें तो। ये इसका हेड का वायर और ये यहाँ वॉल्यूम कैसेट चला के देखें, कैसेट भी चालू हो गई है दोस्तों इसकी। तो दोस्तों इसकी बेल्ट वगैरह ख़राब है, अगर कस्टमर से पूछूंगा अगर वो बोलेगा तो नेक्स्ट वीडियो इसके लिए भी आपके लिए हम बना देंगे। एक पेच इसका यहाँ का, तो दोस्तों अब इसको लगाते हैं। इसको इसकी चैनल में बिठाना ज़रूरी होता है दोस्तों, वरना ये बहुत टाइम ख़राब करता है। सबसे पहले इसको देख लेते हैं, इस तरह सुई को हमने कर दिया एक साइड, पूरी नीडल को एक साइड कर दिया। ठीक है, अब इसको करते हैं सेट। इसको निकाल दिया, अब इसको करते हैं थोड़ा सा आड़ियल वाला काम है ये। देखिए दोस्तों ये हो गया फिट। अब लगा देते हैं इसके स्क्रू, इसके स्क्रू लगा देते हैं। दूसरा स्क्रू यहाँ का है, एक स्क्रू यहाँ का है, स्लिप हो चुका है। तो दोस्तों इसको ऑन करके देखते हैं अब हम। ठीक है जी, एफएम ऑन हो गया, लेकिन आवाज़ नहीं आएगी दोस्तों क्योंकि मेरी शॉप है अंदर। इसकी नीडल की सेटिंग देख लेते हैं। ठीक है, नीडल की सेटिंग देखिए, नीडल अभी भी जा रही है ना आगे, तो इसको पीछे ला के इसकी नीडल की सेटिंग ऐसे करेंगे, इसको थोड़ा सा ऊपर उठाएंगे और सुई को कर देंगे पीछे। थोड़ा सा इसको खोलते हैं, इसकी नीडल की सेटिंग करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, वरना नीडल सही नहीं चलेगी इसकी। इसका थोड़ा सा पीछे करते हैं इसको, इस प्रकार से चला के देख लेंगे दोस्तों। ठीक है, ये हो गई हमारी नीडल की सेटिंग। थोड़ा सा और आगे आ सकती है, ठीक है दोस्तों। ये तो हो गई इसकी सेटिंग, अब करते हैं इसको हम फिट, और इसके लगा देते हैं बाकी के पेच जो हमने स्टार्टिंग में आपको खोल के नहीं दिखाए थे। देखिए एक दो तीन चार पाँच और ये छः, तो दोस्तों ये छः के छः पेच लगा देते हैं फटाफट। तो दोस्तों ये हो गया हमारा सर्किट, अब इसको करते हैं हम वॉल्यूम को आप। देखिए दोस्तों वॉल्यूम हो गया मीडियम,
देखिए खचर खचर की आवाज़ नहीं आ रही ना गैंग को चलाते टाइम। देखिए देखिए सुई, देखिए अगर आपको दिख रही हो तो ये देखिए, तो दोस्तों ये था आज मेरे फिलिप्स 2-in-1 का वीडियो। तो दोस्तों इस वीडियो में कौन सा हिस्सा आपको सबसे अच्छा लगा वो कमेंट करके बताएं, और यदि आप ऐसे ही कोई और वीडियो देखना चाहते हैं तो उसके लिए मुझे कमेंट में रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, मेरा नाम तो ओम प्रकाश और आप देख रहे थे मेरा यूट्यूब चैनल ओपीएल इलेक्ट्रॉनिक्स। तो मिलती हैं एक नई वीडियो के साथ।